सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक सेकेंड, ये कहीं तो सुना सुना लग रहा है। Hey guys, welcome back to our channel. So guys, यार मतलब मुझे अब अपनी वीडियोस बनाने के लिए इसको व्यूज देने पड़ रहे हैं। क्या दिन आ गए यार। खैर, बच्चे मन के सच्चे को साइड पे रखते हैं और आज की वीडियो के मुद्दे पे आते हैं, सैंडबॉक्स। तो फर्स्ट थॉट जो कि इस चीज़ को सुन के आएगा, वो मेरे दिमाग में भी यही फर्स्ट थॉट आया था कि एक मिट्टी का डब्बा है। बट जोक सपाट, सैंडबॉक्स है क्या? सो सैंडबॉक्स एक ओपन सोर्स कम्युनिटी क्रिएटेड मेटावर्स का गेम है। जी हाँ, सही सुना, मेटावर्स। यार तू मेटा मेटा करते रहता है, इनको बताना होगा कि मेटा होता क्या है। बट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मेटा मतलब मार्क जुकरबर्ग का मेटावर्स नहीं होता है। मेटावर्स इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जो कि 3D सिमुलेटेड वर्ल्ड है, ओपन सोर्स वर्ल्ड, जहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब वो एक आयरनी निकल गई है कि वो मार्क भैया के मेटा से मैच करता है, तो सबको लगता है कि मेटावर्स मतलब मार्क भैया वाला ही मेटावर्स। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सो नाउ यू नो कि मेटा और मेटावर्स क्या होता है। अब आपको इस चीज़ को जानने के लिए ये सुपर अफोर्डेबल कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, भाई ने सब कुछ फ्री में बता दिया है। सो सैंडबॉक्स इज बेसिकली अ गेम जो कि विजुअल्स में माइनक्राफ्ट की तरह और गेम प्ले में थोड़ा बहुत रोबलॉक्स की तरह, पर प्रैक्टिकली ये इन दोनों गेम से बहुत अलग है क्योंकि ये प्ले टू अर्न है, पैसा मिलता है ना। सो इसका कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि आप इसमें एक ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो और आपका जो मन करे, लिटरली जो मन करे वो कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें बिल्डिंग से लेके मिनी गेम्स सब कुछ कम्युनिटी जनरेटेड होगा हमारे होनहार गेम डेवलपर्स के द्वारा। और हाँ, एक और चीज़ जो आजकल NFTs का दौर चल रहा है, तो मेटावर्स के अंदर आप बेसिकली NFTs को यूज़ भी कर सकते हो। एंड ये जो गेम है सैंडबॉक्स, इसमें NFT का लिटरली एक म्यूज़ियम भी है। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा पर्पस समझ में आ रहा है NFT का, अभी भी फ्लेक्स करने के लिए ही है ये। और सैंडबॉक्स में भी और क्रिप्टो गेम्स की तरह ये चीज़ तो कॉमन है कि आप NFTs को मार्केट प्लेस में सेल और बाय तो कर ही सकते हो। तो सैंडबॉक्स में लिटरली मिनी गेम्स, म्यूजियम, स्पोर्ट्स, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ होने वाला है। मतलब मैं अब मेटावर्स पे एक डेट पे भी जा सकता हूँ ईगल के साथ। खैर, मेरे से आगे कुछ लोग पहले से ही हैं, मतलब मेटावर्स में ब्याह ही रचा दिया। तो भाई मैं तो 6 फरवरी को 9:30 बजे इनकी शादी में पहुंच जाऊंगा मेटावर्स के अंदर खाना बटोरने। ओ वेट, वो खाना मेरा एवेटार खाएगा, मैं नहीं। स्विगी कर लेता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग बेसिकली समझ ही गए हो। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आगे जाके कुछ चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं और ये स्कूल के प्रैक्टिकल से डिफरेंट होगा, सो इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड एक और बात, ये जो वर्ल्ड होगा सैंडबॉक्स का, इसमें लिटरली आप ज़मीन खरीद सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ज़मीन अभी बिक रही है इस गेम में। ज़मीन, समझते हो, पिक्सीलेटेड डब्बों की ज़मीन। एंड इसको लिटरली आप खरीद सकते हो और वही लैंड आप लोगों को रेंट आउट कर सकते हो, क्योंकि लैंड की सप्लाईज लिमिटेड है। तो अगर किसी को धन्ना सेठ बनना है तो जाओ खरीदो ज़मीन, फूको पैसा, बट थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दिलवा देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा जी। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो आप एक्चुअल में इस गेम में लैंड खरीद सकते हो और उसी लैंड को आप रेंट आउट कर सकते हो, अगर आपको धन्ना सेठ की तरह जीना है। एंड जो भी लोगों को अपने बिल्डिंग्स और मिनी गेम्स डिस्प्ले पे लगाने होंगे, वो आपका रेंट पे लैंड खरीदेंगे और उसी पे अपनी बिल्डिंग्स और मिनी गेम्स डिस्प्ले पे लगाएंगे। मतलब लिटरली रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है भाई। एंड हाँ, एक और चीज़, हर गेम की तरह इनका भी एक खुद का क्रिप्टो टोकन है सैंड करके, और ये लिमिटेड सप्लाई में है। मतलब कि अभी तो इसकी वैल्यू $4 है, बट आगे जाके जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो वैल्यू बढ़ सकती है एक्चुअली। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को एक ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि सैंडबॉक्स क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि हम इसका अर्ली एक्सेस वर्जन डाउनलोड कैसे करें। कंप्यूटर वाले रेजर, ओवर टू यू। ओके, तो गाइस, सैंडबॉक्स कैसे डाउनलोड करना है, अर्ली एक्सेस कैसे करना है, एंड सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो भाई अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र खोल लो कोई भी, हमने ब्रेव खोल लिया है। उसके बाद जाओ www.sandbox.game पे, बस ईजी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से क्लिक करके सीधे जा सकते हो डायरेक्ट। एंड ये सैंडबॉक्स की वेबसाइट खुल गई है। ओके,
अब यहाँ पे ऊपर आता है एक साइन इन का ऑप्शन, तो उस साइन इन के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करो, क्योंकि आप लोगों को अपनी आईडी बनानी है। और आप लोगों के पास तीन तरीके हैं लॉगिन करने के, एक है बिट्सकी के थ्रू, एक है गूगल फेसबुक ट्विटर के थ्रू, एंड एक है मेटामास्क के थ्रू। तो मेटामास्क इस थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी वाला वर्जन, ठीक है, जिनके क्रिप्टो वॉलेट में एक्चुअली में पैसा वैसा है तो वो मेटामास्क यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मल यूसेज के लिए गूगल यूज़ कर सकते हो और बिट्स की यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली बिट्स की से एक अकाउंट बनाया था, क्योंकि गूगल से बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो बिट्स की से लॉगिन कर लो, अकाउंट बना लो। अब मेरा अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और उसमें अपना यूज़र नेम डाल दूंगा। ये सब तो कर ही लोगे अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस, एंड इसके बाद लॉगिन कर लिया, एंड दैट्स इट, हम लोग साइन इन हो चुके हैं। अब मेन मुद्दा आता है कि गेम को डाउनलोड कैसे करें अर्ली एक्सेस, ठीक है। एक और चीज़ कि ये गेम अभी एंड्रॉयड पे अवेलेबल नहीं हुआ है, मतलब जो भी अल्फा टेस्टिंग है, एंड इवन जब इनका फाइनल वर्जन आ जाएगा तो ये लोग कह रहे हैं कि और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोग जल्दी सपोर्ट करेंगे। एंड्रॉयड का कोई श्योरिटी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली एंड्रॉयड में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफिक्स तो माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स वाली है ना। अच्छा, अब इसको आप लोगों को पीसी पे कैसे डाउनलोड करना है फॉर द टाइम बीइंग मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्फा, ये एक्चुअली में अर्ली एक्सेस का ऑप्शन है, बट ये ख़त्म हो चुका है, इसमें काफ़ी रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ से नहीं जाना है, आप लोगों को सिंपली जाना है क्रिएट में। क्रिएट में गए, द सैंडबॉक्स गेम मेकर, यहाँ से करोगे डाउनलोड, विंडोज़ करो, डाउनलोड गेम मेकर, ये एक नॉर्मल फाइल जिप फाइल डाउनलोड कर देगा, उस जिप फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट टू एक फोल्डर कर देना, और फिर ये जो भी फाइल है इसको खोलो नॉर्मली, और ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉलर है .exe फाइल, एंड नेक्स्ट करके जहाँ भी इंस्टॉल करना है। कितने MB का है, 389 MB का गेम है, बस काफ़ी छोटा गेम है। द सैंडबॉक्स मेकर और इंस्टॉल कर दो, मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो अब हम सीधे चलते हैं गेम के अंदर और देखते हैं कि गेम में क्या क्या कर सकते हैं हम एक्चुअली। चलो, अब यहाँ से आ गया है लॉगिन करने का तरीका, तो हमें वही यूज़र नेम डाल देना है इस पे जो हमने वेबसाइट पे बनाया था। ओके, सो गेम खोलने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाती है। अब ये बेसिकली गेम मेकर है, तो यहाँ पे आप लोग लाइक गेम बनाने के लिए आइए, जो मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे लोग गेम बिल्ड कर सकते हो अभी, और फिर बिल्डिंग पे जिनकी ज़मीन रेंट पे लेके अपने गेम दोगे, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कर सकते हो। जिसको बहुत ज़्यादा क्रिएटर है, जो जिसको गेम वेम बनाना है, वो गेम बना सकता है यहाँ से। टेम्पलेट्स हैं, बट वो नहीं है ना जो मेजॉरिटी लोगों को करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें खेलना है, हमें गेम खिलाओ भाई। हम रेजर भाई, हम यहाँ गेम खेलने के लिए आए हैं, तुम्हारी ये फालतू की क्रिएटर वाली बात सुनने के लिए नहीं आए। तो गेम खेलने के लिए कुछ नहीं है, ड्राफ्ट्स गैलरी पे जाओ, और यहाँ पे लोगों ने पहले से ही वर्ल्ड बना रखे हैं टेस्टिंग के लिए, जोन सा भी कोई सा भी वर्ल्ड जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो वर्ल्ड ढूंढ लो और उसके अंदर चले जाओ। जैसे कि मुझे भी कौन सा चले, फॉर एग्जाम्पल बॉलमैन प्रोजेक्ट NFT एक्सपीरियंस। ओके, ये कुछ टेनिस का से रिलेटेड गेम है, तो देखो सिंपली प्ले करूंगा मैं, एंड इसके अंदर हम लोग लोड हो रहा है। गाइस, मेटावर्स में आ गए हम, ये है मेटावर्स, नाइस। अच्छा, इनको मारना है, ओके अब इससे गेम प्ले समझ गए हो, ग्राफिक समझ गए हो कैसा दिख रहा है। मैंने कहा था ना माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स का मिक्स है, उसी टाइप का है। अच्छा, इन सारे लोगों को हराना पड़ेगा क्या? ओके, मेरी हेल्थ ऑल्दो काफ़ी कम तो नहीं हुई है, बट फिर भी, अरे बाप रे, सब एक साथ अटैक करने लग गए, रुक जाओ। तो मैं अभी कंप्लीट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बस ये एक सैंडबॉक्स को डाउनलोड कैसे करना है और क्या है उसकी वीडियो है, ना कि सैंडबॉक्स के गेम प्ले की। तो यस, अब आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे डाउनलोड करना है इस गेम को, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। नाउ ओवर टू कैमरा वाला रेजर। तो यही है सैंडबॉक्स और मेटावर्स अपने काफ़ी अर्ली स्टेट में। इसका प्ले टू मैकेनिक मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा, एंड होपफुली इन फ्यूचर अगर इन गेम्स के ग्राफिक्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो मेनस्ट्रीम हो जाएगा भाई ये चीज़। तो सैंडबॉक्स का अल्फा सीजन 2 भी आने वाला है काफ़ी जल्दी, और उसमें हम लोग फ्री रिवॉर्ड्स और NFTs क्लेम कर पाएंगे। ऑल्दो मैं पहले से ही काफ़ी सारी NFT ओन करता हूँ, 3 उंगलियों का कमाल है। तो एनीवेज, यही है सैंडबॉक्स और मेटावर्स। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। एंड जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।
6 फरवरी को शादी में जरूर पहुंच जाना। बारातियों का स्वागत पान पराग से जो करना होगा। पान पराग, पान पराग, पान मसाला।